कलवे जमात ने प्रशासन को खुली धमकी दी है, क्या कहा मौलाना कलवे जवाद ने, आइए आप खुद सुन लीजिएगा। लखनऊ में वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना कलवे जवाद इमामबाड़ा हुसैन व ट्रस्ट के चेयरमैन ने जिलाधिकारी के उस फैसले पर कड़ा विरोध किया। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि कोरोना महामारी के नाम पर ऐतिहासिक इमामबाड़ा आशिफी और छोटे इमामबाड़ा को टूरिस्ट के लिए खोला जाना ये प्रशासन के सौतेले व्यवहार जैसा है। उन्होंने कहा, हमने 3 बार हवाई जहाज में सफर किया। सफर के दौरान लगभग 100 आदमी एक साथ बैठकर 3 घंटे तक सफर करते हैं और आज मस्जिदों में नमाज के लिए 100 आदमी 10 मिनट क्यों नहीं एक साथ बैठ सकते। उन्होंने कहा, प्रशासन हमें 5 आदमियों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी है, वह सरासर गलत है, इसका हम सख्त विरोध करते हैं। मौलाना ने चेतावनी दी है कि इमामबाड़े में आने वालों को इजाजत दें, जिससे हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मानेंगे। अगर प्रशासन सिया समुदाय को नजरअंदाज करता है तो इमामबाड़े में केवल पर्यटन प्रवेश की अनुमति देता है, तो हम बड़े इमामबाड़े में किसी के आने जाने पर पाबंदी लगा सकते हैं। अशोक कुमार, लखनऊ, समाचार 24। नमाज के लिए है कि वहाँ भी अभी कोई 5 आदमी की ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ शर्त यह है कि 1.5 फीट से ज़्यादा 1.5 फीट से ज़्यादा फासला होना चाहिए, क्योंकि 2 मीटर के बाद नहीं कह रहे इस तरह से जमात नहीं हो पाई। ज़्यादा हमारा ये है कि वो बस उस जमात के लिए वो 2 मीटर की कैद है उसमें डाल दी जाए, सब जो है वो अपने, क्योंकि हवाई जहाज पर मैं 3 मरतबा सफर किया, 3 मरतबा हवाई जहाज भरा हुआ था और कोई बीच में स्ट्रेस नहीं था। इस बुलेटिन में फिलहाल एक ब्रेक।